आज हम लोग बात करेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी तो सभी ने देखा होगा, लेकिन कभी ये सोचा है कि एलईडी को ऑपरेट कैसे करते हैं? मींस कि आपने देखा होगा कहीं एलईडी 3 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, कहीं 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है, और कहीं 12 वोल्ट पे, कहीं 24 वोल्ट पे, कहीं 120 वोल्ट पे, इस तरह से एलईडी ऑपरेट कर रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं और समझते हैं कि एलईडी को ऑपरेट कैसे करते हैं। मैं बहुत बेसिक चीज़ों पे नहीं जा रहा कि एलईडी क्या है और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे मैं एलईडी के एप्लीकेशन के बारे में डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ कि एलईडी की सर्किट बनाते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। एक सर्किट बनाते हैं, हमने क्या किया, एक एलईडी को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि एलईडी बैटरी अगर मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट या 9 वोल्ट, चलिए यहाँ पे 9 वोल्ट मैंने अप्लाई किया, 9 वोल्ट अप्लाई करते हो एलईडी कनेक्ट करते हो, एलईडी क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, एलईडी जल जाता है। अब ये तो समझ नहीं है क्यों जल गया, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा एलईडी की डेटा शीट पे। अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ रेड एलईडी, और आप डेटा शीट पे फोकस करें तो डेटा शीट से हमें ये पता चलता है कि रेड एलईडी 1.5 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, और जो इसका करंट होता है 20 मिली एम्पियर मैक्स होता है। अब देखिए ये एक तरह का डायोड है, ठीक है, ये 1.5 वोल्ट ड्रॉप करेगा, 1.5 वोल्ट तो ये ड्रॉप करेगा ही करेगा, इसमें मैक्सिमम करंट 20 मिली एम्पियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 20 मिली एम्पियर इस एलईडी के थ्रू पास करेगी तो ये एलईडी मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, जो भी एलईडी की इंटेंसिटी होगी। सो अब यहाँ पे देखते हैं तो एलईडी के क्रॉस अगर मैं इस करेंट को कंट्रोल कर लूँ तो एलईडी का क्या होगा, ब्राइटनेस क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इस केस में तो हमारा क्या होगा, एलईडी बर्नआउट हो जाएगा। बर्नआउट क्यों, क्योंकि एक तो वोल्टेज मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया, मुझे वोल्टेज भी ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही साथ करंट भी, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी से है, ये तुरंत शॉर्ट कर जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक और सर्किट ड्रॉ करता हूँ, नाइन वोल्ट मैंने अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड एलईडी है, ये ड्रॉप करेगा 1.5 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया है, लेकिन किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगना है ये अभी पता नहीं है। चलिए रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। मैंने 9 वोल्ट अप्लाई किया, 1.5 वोल्ट की एलईडी ड्रॉप करेगा, तो टोटल हमारा वोल्टेज 7.5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप करेगा। अगर बात करें मैक्सिमम इंटेंसिटी से, अगर इस एलईडी को ग्लो करना है 9 वोल्ट पे, तो मुझे 20 मिली एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो कराना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 मिली एम्पियर करंट लेकर चलते हैं। तो देखते हैं क्या, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, V=5R। ओके, तो ये करंट 20 मिली एम्पियर जो इस एलईडी के क्रॉस फ्लो करेगा, ये हमारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी फ्लो करेगा सेम करंट। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस R=V/I, वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना है 7.5 वोल्ट, और करंट कितना है 20 मिली एम्पियर। आया क्या रिजल्ट, ये आएगा हमारा 0.0 किलो ओम या 375 ओम। इसका मतलब ये है कि अगर हमें
9 वोल्ट पे 1.5 वोल्ट और रेड एलईडी को मुझे ग्लो कराना है तो 375 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो इस एलईडी को इसके मैक्सिमम इंटेंसिटी से ग्लो कराएगा, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन जनरेट करते हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये तो ओके है कि 9 वोल्ट पे मुझे यूज करना है आर इक्वल टू 375 ओम, इतना तो समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई रैंडमली रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लीजिए मैंने लगा दिया क्या आर इक्वल टू 10 ओम मैंने लगा दिया, होगा क्या, आर इक्वल टू 10 ओम लगाया, सर्किट ड्रॉ करते हैं फिर से इसको समझते हैं। वन पॉइंट फाइव वोल्ट यहाँ ड्रॉप करेगा तो यहाँ कितना होगा 7.5 वोल्ट, ये हो गया 9 वोल्ट। ओके, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वही करंट इसके क्रॉस फ्लो करेगा, तो I इक्वल टू I इक्वल टू वी वाई आर 7.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स 0.75 एम्पियर। अगर इसे मिली एम्पियर में देखें तो 750 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिक्वायरमेंट कितना है 20 मिली एम्पियर का, लेकिन फ्लो कितना हो रहा है ये 750 मिली एम्पियर, मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस लगाता हूँ इस एलईडी के क्रॉस 9 वोल्ट पे, तो इसका मतलब क्या है, ये एलईडी बर्नआउट हो जाएगी क्योंकि रेटेड से ज़्यादा करंट है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है जब भी हम लोग अभी एलईडी को ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर एलईडी डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाए तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे VCC वोल्टेज अप्लाई किया, R अप्लाई किया 1.5 वोल्ट, रेड एलईडी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 20 मिली एम्पियर, ये हमें डेटा शीट से पता है कि इस तरह से हमें कुछ निकल कर आएगा। तो R के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VCC माइनस 1.5 वोल्ट। ओके, तो इस R की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे, R इज इक्वल टू V बाई R VCC माइनस 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे मैंने एक VCC को स्टैंडर्ड ले लिया, यहाँ पे अब VCC इक्वल टू मैं 5 वोल्ट पुट करता हूँ, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.5 वोल्ट अपॉन 20 मिली एम्पियर, ये आएगा 175 ओम। मींस कि मुझे 175 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 175 ओम रेजिस्टेंस इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसके कंपेरेबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 200 ओम, यहाँ पर हम लोग 200 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं क्योंकि 175 ओम तो मैंने रेजिस्टेंस देखा नहीं है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होगा, होगा भी तो, और 220 ओम लगा लीजिए, 1K भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी एलईडी की लो होती जाएगी, क्यों, क्योंकि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे ये जो करंट है 20 मिली एम्पियर इसके क्रॉस जो फ्लो कर रहा है एलईडी के क्रॉस, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एलईडी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं अगर VCC इक्वल टू 12 वोल्ट अप्लाई करता हूँ तब क्या होता है, मींस एलईडी को मैं 12 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो
12 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 20 mA, ये हो जाएगा आपका 10.5 डिवाइडेड बाई 20 mA, 5.25 0.525 किलो ओम, 525 ओम मीन्स यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स 500 ओम और 550 ओम इस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारा वोल्टेज वैरी कर रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रही है। अब यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इस करेंट की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि सीरीज़ में जुड़ के करेंट लिमिट का काम कर रहा है। मीन्स कि LED को कंट्रोल करने के लिए इस सर्किट में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं। इसे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बात है। तो ये तो रही हमारे LED को हम लोग कैसे ऑपरेट कराएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि LED की सिमुलेशन कैसे करते हैं और इसकी सर्किट डिज़ाइन कैसे करते हैं और इसको टेस्ट कैसे करते हैं। तो इसकी सर्किट हम लोग ब्रेडबोर्ड पर बनाकर चेक करेंगे।